नमस्कार विद्यार्थियों, नव भारती टीटी कॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के पार्ट्स बताए थे। मैंने आपको मैप के द्वारा बताया था कि ये जो राजस्थान है उसको हम चार भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। कितने भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं? चार भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। उसमें मैंने आपको पहला पार्ट जो बताया था वो बताया था मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा बताया था? मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है आपका शुष्क मरुस्थल और दूसरा है आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल। इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेश को हम दो भागों में बांट सकते हैं। अब जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है और 25 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा वाला क्षेत्र जो है वो आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तो देखिए आगे, अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है जो कि शुष्क मरुस्थल और अरावली जो रेंज है आपकी उसके बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता, ये आपकी आ गई अरावली रेंज, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो आपका ये जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है जो 0 से 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा वाला क्षेत्र है और आपका जो अरावली पर्वतमाला है जो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा के बाद आता है, तो 25 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा वाला क्षेत्र जो है वो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो शुष्क मरुस्थल में बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर वाले जो इलाके हैं वो आपके शुष्क मरुस्थल के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया था कि जो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसको बालुका स्तूपों के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक ऐसा क्षेत्र है इस शुष्क मरुस्थल का जो पथरीला है, जिसको हम्मादा के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका पथरीला क्षेत्र है वो बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र है, जो राजस्थान के जो शुष्क मरुस्थल के 41% भाग पर लगभग 41% भाग पर फैला हुआ है वो है आपका बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र। एक है आपका बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र। बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बालुका स्तूप राजस्थान में जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। और अगर सभी प्रकार के स्तूपों की बात करें, बालुका स्तूपों की बात करें हम, तो सभी प्रकार के जो बालुका स्तूप है वो सबसे ज्यादा जोधपुर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर में पाए जाते हैं। और सर्वाधिक जो बालुका स्तूप है वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। अब बात ये आती है कि जो आपके बालुका स्तूप है उनके कई टाइप्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रकार है अनुदेदर्य, दूसरा है अनुप्रस्थ और बरखान। बरखान वाला जो क्वेश्चन है कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आरएस प्री और मेंस में भी ये बरखान वाला क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान पुलिस ले लो, चाहे आप पटवार ले लो, इनमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कौन सा? मरुस्थलीय क्षेत्र। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में बरखान की क्या स्पेशलिटी है वो देखते हैं आगे। पहला आप देखिए अनुदेदरी। अनुदेदरी क्या होता है? अनुदेदरी का मतलब ये है जो पवन की दिशा के समानांतर अगर स्तूप बनता है, पवन की दिशा के समानांतर अगर स्तूप बनता है, टीला बनता है, तो उस टीले को हम अनुदेदरीय प्रकार का बालुका स्तूप कहते हैं। और अनुदे
निर्दयीय प्रकार के बालू का स्तूप राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं आपके जैसलमेर में। जैसलमेर का मैंने आपको ये भी बताया है कि सबसे ज्यादा बालू का स्तूप जो पाए जाएंगे वो भी आपके जैसलमेर में पाए जाएंगे। अब बात आती है अनुप्रस्थ प्रकार की। अनुप्रस्थ में क्या है, ध्यान रखना, बालू का जो टीला है पवन की दिशा के समकोण में बनता है। पवन की दिशा के समकोण पर जो बालू का स्तूप बनते हैं वो अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप कहलाते हैं। किस दिशा में बनते हैं विद्यार्थियों, समकोण, समकोण में बने वो है समानांतर बने अनुदैर्ध्य है, समकोण बने वो अनुप्रस्थ है। वर्थान बनते हैं विद्यार्थियों अर्धचंद्राकार, जो बालू का स्तूप पवन की दिशा में अर्धचंद्राकार आकृति बनाते हैं वो बालू का स्तूप कहलाते हैं बरखान। और बरखान सबसे ज्यादा है आपका शेखावाटी एरिया। शेखावाटी एरिया में आपको पता ही है सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये सीक और नागौर का कुछ क्षेत्र, ये वाला जो इलाका है वो शेखावाटी रेंज में आता है, शेखावाटी क्षेत्र में आता है। तो शेखावाटी वाला जो क्षेत्र है वहां सबसे ज्यादा बरखान पाए जाते हैं। और ध्यान रखना इस बात का, बालू का स्तूपों में सबसे ज्यादा विनाशकारी, ये क्वेश्चन उठक भी हुआ है कि सबसे विनाशकारी बालू का स्तूप कौन सा है, बरखान है, जिसकी स्पीड सबसे तेज गति से होती है। और राजस्थान में विद्यार्थियों जो मरुस्थल का मार्च हो रहा है, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, आपको पता है कि अरावली रेंज में जो सांबर के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां की पर्वत श्रृंखला धीरे धीरे नील बट्टा हो गई, मतलब नील के बराबर हो गई, वहां पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई बिल्कुल नहीं बची है। तो हमारे जो राजस्थान है उसका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है, मरुस्थली का विस्तार जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसे ही मरुस्थल का मार्च और मरुस्थलीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो मरुस्थल, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, तो ध्यान रखना दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तार मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। और सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्शन कर रही है अरावली पर्वत श्रृंखला का, अरावली पर्वत श्रृंखला कर रही है मरुस्थलीकरण को रोकने में सबसे अहम रोल माना जाता है, किसका, अरावली पर्वतमाला का, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला पश्चिम में जो मरुस्थल है उस मरुस्थल को पूर्व में आने से रोकने का कार्य कर रही है अरावली रेंज। लेकिन सांबर के आसपास वाला जो इलाका है, अजमेर में जो इलाका है, वहां पर अरावली पर्वत श्रृंखला की जो ऊंचाई है वो धीरे 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 कम होती जा रही है। और इसीलिए आपको पता है अरावली वृक्षारोपण योजना भी चलाई गई ताकि इस मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोका जा सके। अब बात आती है बरखान आ गया, अनुदैर्ध्य ध्यान रखना समानांतर है, अनुप्रस्थ समकोण पर है, बरखान शेखावाटी एरिया में पाए जाते हैं और अर्धचंद्राकार है और सबसे विनाशकारी है, सबसे ज्यादा स्पीड होती है, क्लियर हो गया। अब एक हमारे जो बालू का स्तूप है वो तारानुमा भी है, कहां पर है तारानुमा, ये कहां पर है आपको पता है, हम्मादा वाला जो इलाका है जैसलमेर में, जो पथरीला इलाका है जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, उसके चारों तरफ जिग जैग में तारानुमा आकृति में भी क्या होते हैं, बालू का स्तूपों की आकृति बन जाती है। उनके चारों तरफ उस पथरीले इलाके के चारों तरफ जो तारानुमा आकृति बनती है उसी को हम तारानुमा बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। और जैसलमेर में जो है सूरतगढ़ के आसपास वाला जो इलाका है वहां पर इस प्रकार की आकृति वाले स्तूप बनते हैं। अब बात आता है पैराबोलिक। पैराबोलिक क्या है विद्यार्थियों, बरखान के विपरीत, मैंने आपको बताया था बरखान अर्धचंद्राकार आकृति में, इसी अर्धचंद्राकार आकृति में एक पिननुमा जो आकृति बनाता है वो है आपका पैराबोलिक।
पैराबॉलिक की जो आकृति है ये भी शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है और इसमें से भी क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि पैराबॉलिक किसका प्रकार है, तो आपको ध्यान रखना है पैराबॉलिक बालू का स्तूप का एक प्रकार है। एक आता है सीप की आकृति, बरखान एक तरफ से लंबा एक तरफ से छोटा हो जाता है। अर्धचंद्राकार आकृति की सेप जब सही नहीं बनती है तो उसे सीप प्रकार के बालू का स्तूपों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है स्क्रब कॉपिस, आपको पता है मरुस्थली इलाके में झाड़ियां सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो झाड़ियों के पास झाड़ियों के आसपास जो बालू का स्तूप बने हुए होते हैं, झाड़ियां आपने देखी होगी टीलों के बीच में झाड़ियां लगी हुई होती है, तो उन झाड़ियों के चारों तरफ जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं उनको स्क्रब कॉपिस के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा स्क्रब कॉपिस झाड़ियों के आसपास पाए जाने वाले छोटे बालू का स्तूपों को कहा जाता है। सीप जो है जब बरखान की सेप बिगड़ जाती है तो सीप प्रकार के बालू का स्तूप बनाते हैं। पैराबॉलिक मैंने आपको बताया बरखान के जस्ट विपरीत दिशा में जो हेयर पिन की भांति बालू का स्तूप बने होते हैं उसे हम बरखान पैराबॉलिक के नाम से जानते हैं। और तारानुमा मैंने आपको बताया हम्मादा जो कि पथरीला इलाका है उसके चारों ओर जो तारानुमा आकृति बनी हुई है उस प्रकार के भी बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये तो हमने शुष्क मरुस्थल के बालू का स्तूपों की बात करी है, अब बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल की। मैंने बताया था राजस्थान में उत्तर पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक है आपका शुष्क मरुस्थल और दूसरा है आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है और 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है अर्ध शुष्क मरुस्थल, जो कि शुष्क मरुस्थल और अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच वाला जो क्षेत्र है उसे कहते हैं हम अर्ध शुष्क मरुस्थल। और इस अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र को हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका लूनी बेसिन, लूनी नदी का आपने नाम सुना भी होगा, पश्चिमी राजस्थान की जो अपवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे अच्छी नदी मानी जाती है वो है आपकी लूनी नदी। और लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, कहां से निकलती है, अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, पाली नागौर जोधपुर बाड़मेर जालौर इन इलाकों से बहते हुए कच्छ के रण में गिर जाती है। तो लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र में आपने देखा पाली आया नागौर आया जालौर का कुछ इलाका आया, तो ये जो है ये एरिया कहलाएगा आपका लूनी बेसिन। फिर है आपका नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि में आपका थोड़ा सा इलाका झुंझुनू का आ जाता है, इधर आपका जोधपुर का थोड़ा सा इलाका आ जाता है और इस प्रकार नागौर उच्च भूमि का निर्माण होता है। फिर है शेखावाटी अंतः प्रवाह, शेखावाटी अंतः प्रवाह में आपकी चूरू झुंझुनू सीकर और नागौर का कुछ भाग शेखावाटी अंतः प्रवाह में आता है। और घग्गर बेसिन आपको पता है राजस्थान में हनुमानगढ़ और गंगानगर दो जिलों से होकर बहती है घग्गर नदी, जो राजस्थान के आंतरिक अपवाह वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। कौन सी नदी, घग्गर नदी। और बठनेर दुर्ग के आसपास अगर बाढ़ की संभावना होती है तो उसके पीछे जो रीजन है वो है आपकी घग्गर नदी। घग्गर नदी जिसको सरस्वती नदी या पुराणों में जिसे दृष्टवती नदी के नाम से भी जाना जाता था वो है आपकी घग्गर नदी। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला जो इलाका है आपका वो किसके अंतर्गत आता है, वो घग्गर बेसिन के अंतर्गत आता है। और ये चारों इलाके आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। तो दो पार्ट आपने पढ़े, शुष्क मरुस्थल जो यहाँ पर मिट्टी पाई जाएगी वो रेतीली मिट्टी पाई जाएगी, कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, रेतीली मिट्टी पाई जाएगी। और 0 से लेकर के 50 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है, इनका ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अब बात आती है कि ये जो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है इनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उनकी लिस्ट मैंने आपके सामने यहाँ पर तैयार की है, एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। देखो शेखावाटी क्षेत्र में जो कच्चे कुएं हैं, कच्चे कुओं को शेखावाटी क्षेत्र में जोहड़ के नाम से जाना जाता है, या आप बोल सकते मरुस्थली इलाकों में जो कच्चे कुएं बने हुए हैं उनको जोहड़ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है
कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जहां पर भी तालाब बने हुए हैं उन तालाबों को सर के नाम से जाना जाता था। शेखावाटी क्षेत्र में जो चारागाह भूमि है उसे आपको बीड़ के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा भी कई चीजें आपको राजस्थान के इस मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलेगी। सबसे पहला है प्लाया झीले क्या थी आपको पता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में जब मानसून आता है तो टीलों के बीच में जो गड्ढे बने हुए हैं उन गड्ढों में जब पानी भर जाता है तो उसको हम प्लाया झीलों के नाम से जाना जाता है। और ये जो प्लाया झील है इन प्लाया झीलों को ढांड झील के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्लाया झील के आसपास जो पालीवाल किसानों के द्वारा कृषि की जाती है उसी कृषि को यहाँ पर खड़ीन कृषि के नाम से जाना जाता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में कौन सी कृषि होती है? खड़ीन कृषि होती है। उसके बाद आता है विद्यार्थियों आपका रन या टाट। प्लाया झीलों से जो छोटी अस्थायी झीले हैं उनको हम रन या टाट कहते हैं। दलदली इलाका है ये और सबसे ज्यादा रन या टाट राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। अब आता है कि कुछ रन या टाट इम्पोर्टेंट है उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ताल छापर जो रन है वो आपका पड़ता है चूरू में। कहाँ पड़ता है? चूरू में पड़ता है। फलोदी आपके जोधपुर में पड़ता है। परिहारी भी चूरू में पड़ता है। बाग आपके जोधपुर में पड़ता है। थोब आपका भाकरी और पोकरण आपके जैसलमेर में पड़ता है। थोब आपके बाड़मेर में पड़ता है। इस तरीके से जो है कुछ रन या टाट है वो इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना पोकरण और मोहनगढ़ के बीच में जो जलपट्टी बनी हुई है राजस्थान के पोकरण से लेकर मोहनगढ़ तक जो जलपट्टी बनी हुई है उसे क्या कहा जाता है? जलपट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और माना जाता है कि यहाँ पर पहले क्या था? यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी है। आकलवुड फॉसिल्स पार्क, जीवाश्म पार्क आपने नाम भी सुना होगा। राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर वाला जो है आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान, उसी राष्ट्रीय मरु उद्यान में आकलवुड फॉसिल्स पार्क है जो जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है। आकलवुड फॉसिल्स पार्क जो कि जैसलमेर में है ये जुरासिक काल का पार्क है। कौन से काल का है? जुरासिक काल का क्या है? पार्क है। उसके बाद आता है आपका नकलिस्तान। नकलिस्तान क्या है विद्यार्थियों? मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी के आसपास जल झीलों के आसपास जो हरियाली नुमा क्षेत्र है उसे नकलिस्तान के नाम से जाना जाता है। जल बेसिनों के चारों तरफ जो हरियाली है उसे हम नकलिस्तान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है धरियन। लहरदार जो बालू का स्तूप बने हुए हैं उन्हें धरियन और दोरों के नाम से जाना जाता है। और इस धरियन और दोरे सबसे ज्यादा राजस्थान के जैसलमेर जिले में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है पीवड़ा। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पीवड़ा एक सांप का प्रकार है जो कि यहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद आता है मरुस्थल का मार्च। मैंने आपको बता ही दिया कि मरुस्थलीकरण का विस्तार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है इसे ही मरुस्थलीकरण के मार्च के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के फर्स्ट पार्ट उत्तर पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए लगातार मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए ताकि आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सके, बहुत अच्छी तैयारी कर सके और एग्जाम को क्रैक कर सके। तो इसके लिए सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि नव भारती स्टडी सर्कल आपके लिए आगे से आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहे। विद्यार्थियों धन्यवाद।